दोस्तों यहाँ का घर का डिज़ाइन ही देखो काफ़ी पुराना पुराना है, और हॉस्टल होटल सब इसी डिज़ाइन में रहे, जो पुराना पुराना घर है लकड़ी का, इसीलिए तो लवांग प्रबांग इतना फेमस है। हाँ यार क्या सीन है यहाँ पे, कमाल का है। और यहाँ से पूरा दिखता है, कल हम लोग उधर से आए थे बिलीव, मुझे लगता है अच्छा लोकेशन है व्यू पॉइंट कैफे। हेलो दोस्तों कैसा है, आशा करते हो बहुत बढ़िया आएंगे। तो हाँ तो तभी हमें लॉन प्रांग में, और ये लाओस का ओल्ड कैपिटल है। शबाई डी। तो इसको लॉन प्रांग को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। इसमें काफ़ी पुराना पुराना घर है, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर है, और यहाँ पर काफ़ी पुराना टेंपल और काफ़ी फेमस टेंपल है, तो मैं आपको घुमाता हूँ और मैं चलो दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक सामने मार्केट है, चलो देख लेते हैं यहाँ पर सामान का क्या रेट है। और ये देखिए ये है वो मार्केट, तो ये राइस है मतलब चावल है, और ये 11,000 कीप में, 11,000 13,000 कीप में है, सवाई दे 15,000 कीप में है। तो मेन तो अभी यहाँ पर चावल ही बिक रहा है, बाकी सारा दुकान बंद है। आपको लेके चलते हैं, एक फ्रेंच ब्रिज है काफ़ी पुराना, वो भी लकड़ी का है, तो उसके पास आपको लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर एक काफ़ी पुराना ब्रिज है जिसका नाम है फ्रेंच ब्रिज, और ये लकड़ी का बना हुआ है और काफ़ी पुराना है, और ये रहा वो ब्रिज। इसमें खाली बाइक ही जा सकता है, फोर व्हीलर नहीं जाता, फोर व्हीलर के लिए नया पुल बना है उस साइड से। और ये देखिए ये ब्रिज है, इसमें रिक्शा जाना मना है, फोर व्हीलर जाना मना है, खाली बाइक के लिए ब्रिज है, और पैदल जाना है तो इधर से है पैदल जाने के लिए। ओह माय गॉड दोस्तों, हम ये फ्रेंच ब्रिज में चल रहे हैं, लेकिन हमको डर भी लग रहा है, पूरा लकड़ी का है ना, तो थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन नया एक्सपीरियंस है, मज़ा भी आ रहा है। ये देखो इधर बाइक चल रहा है, और थोड़ा हमको पकड़ पकड़ जाने में मतलब डर लग रहा है थोड़ा यार, पहली बार आया ना, थोड़ा डर लग रहा है भाई। ये तो लकड़ी का ही है, लेकिन मेरा हालत ख़राब है, हमको तो एकदम डर डर के जा रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, मतलब डर लग रहा है हमको, लेकिन हम इस पहली बार चल रहे हैं ना, देखो हम इधर ये पकड़ पकड़ के जा रहे हैं, 1% भी कुछ हुआ तो कस के पकड़ लेंगे। यहाँ से देखो दोस्तों हम आ रहे हैं, अरे कोई आ रहा है, अब तो हमको सांस मिलेगा थोड़ा, नहीं तो मेरा तो हालत ख़राब हो गया। अरे भाई भाई लोग तो बहुत ही इजी तरह से आ रहे हैं, देखो उधर से, बस हम पहली बार आ रहे हैं, लकड़ी का है बोल के मेरा हालत ख़राब है, बाकी देखो सामने से बहुत ईजी से आ रहा है लोग, थोड़ा सा हिम्मत आया उन लोग को देख के, लेकिन मेरा अभी भी हालत ख़राब है, देख रहे हो लकड़ी का स्थिति देख। सवाईडी, यहाँ पर सवाईडी मतलब हेलो होता है, तो लोग हेलो बोलते हैं, मेरा अभी भी हालत ख़राब है, जब तक हम पुल क्रॉस नहीं करेंगे ना मेरा, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था, पहली बार में मज़ा आया। और ये देखो यहाँ का ये ब्रिज पूरा वुडन का है, पूरा वुडन का, कहीं कुछ नहीं है, लोहा का बीम है लेकिन ये पूरा वुडन का है। अच्छा एक्सपीरियंस था पहली बार में, डर तो काफ़ी लग रहा था लेकिन काफ़ी मज़ा आया जाने में। अगर आप लाओस आते हो, लवान प्रवांग आ रहे हो, तो एक बार इस ब्रिज में ज़रूर आएँ। ये देखो दोस्तों ये सब काफ़ी पुराना पुराना घर है, इसीलिए यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया, और इसमें कम से कम बहुत ही पुराना पुराना घर है यहाँ पर। तो दोस्तों ये रास्ते में आते आते हैं केएफसी स्टाइल का चिकन बन रहा है, और ये 12,000 कीप का है, तो यहाँ पर तो थोड़ा सस्ता है, आते समय देखते हैं खा लेंगे, इधर से आएंगे तब, अभी तो बस घूमने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ का घर का डिज़ाइन ही देखो काफ़ी पुराना पुराना है, और हॉस्टल होटल सब इसी डिज़ाइन में रह, जो पुराना पुराना घर है लकड़ी का, इसीलिए तो लवांग प्रबांग इतना फेमस है। देखो ये हो रेस्टोरेंट है, लेकिन अपना डिज़ाइन ये ख़त्म नहीं किया, इधर भी देखो यहाँ पर सारा घर लकड़ी का ही है, मतलब वही चीज़ तो अच्छा है यहाँ का सब। तो दोस्तों हमने जो ब्रिज क्रॉस किया था, देखो ये तो आपको दिख रहा है, वो है वुडन ब्रिज, उधर पीछे का सीन देखो, सब तरफ पूरा पहाड़ी पहाड़ है, और इधर ये नदी है, ये लुआन प्रवांग बहुत अच्छा सिटी है, एकदम नीट एंड क्लीन है, लाओस में ये पुराना सिटी था, कैपिटल था इन लोगों का।
तो दोस्तों ये रिवर है और देखो इधर काफ़ी सारे गांव घर है, सबका अपना अपना बोट है और यहाँ पे मतलब फल इतना होता है ना, केला नारियल एकदम भर भर के होता है सबका घर। देखो उधर नारियल सॉरी केला का पेड़ है, सबका अपना अपना बोट है नदी में सफ़र करने के लिए। तो दोस्तों हमारे एक साथी यूट्यूबर साथी ने मुझे बताया था लोआन प्रमांग जाओगे तो व्यू पॉइंट कैफ़े ज़रूर जाना, तो हम ये पहुंच गए ये व्यू पॉइंट कैफ़े और मेरा उस साथी का नाम है ट्रेवल फ्रिक विक्की, तो हम देखते हैं यहाँ का सीन कैसा है, तो एक बार हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबाई दी, हाँ यार क्या सीन है यहाँ पे, कमाल का है। ये है और यहाँ से पूरा दिखता है, कल हम लोग उधर से आए थे आई बिलीव, मुझे लगता है अच्छा लोकेशन है व्यू पॉइंट कैफे। अगर आप यहाँ पर आते हैं लोआन प्रभांग तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आओ और ये देखो यहाँ का सीन, यहाँ पर यहाँ बैठने का, हम कुछ जल्दी आ गए हैं तो यहाँ कुछ लगा नहीं है लेकिन अच्छा है। थैंक यू विक्की भाई, ये सच में लोकेशन बहुत अच्छा है द व्यू पॉइंट कैफे में हम आ गए हैं और भाई यहाँ पर सीन देखो, यहाँ बैठ के चिल कर सकते हो, जो भी खाना खा सकते हो चिल कर सकते हो और लोकेशन बहुत अच्छा है यहाँ पे। हम समय से पहले आ गए हैं तब यहाँ कुछ लगा नहीं है, खाली खाली है लेकिन बढ़िया है। ये देखो ऐसे ही बोट से हम आए थे, अब ये बोट जा रहा है तो हम लोग उस जगह कल उतरे थे, मेरा दोस्त का घर तो यहाँ से पास में लेकिन उधर से घुमा के आया था काफ़ी ज़्यादा पैसा ले लिया था। तो हम जा रहे हैं कैफ़े व्यू पॉइंट से, बहुत अच्छा लोकेशन, अगर आप लोआन प्रभांग आओ तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आओ। हम तो समय से पहले काफ़ी आ गए हैं तो अभी यहाँ पर कुछ मतलब ये खुला नहीं है, अभी खाने वाने का देर नहीं रहने, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होता है, यहाँ पर चिल करने के लिए बहुत अच्छा जगह है। तो दोस्तों ये है मेकोंग रिवर और ये सामने है जो होटल है मेकोंग रिवर व्यू, तो ये तो काफ़ी पुराना है, वुडन का है, आप आके यहाँ अगर आप आते हो तब यहाँ आके रह सकते हो। लेकिन क्या है कि हम तो नदी देख देख के दो दिन से पागल हो गए तो हमको मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा लोकेशन है एकदम। तो दोस्तों हम यहाँ पर आए हैं, काफ़ी पुराना मंदिर है, यहाँ दिखाते हैं आपको, ये देखो यहाँ का ये फेमस है, यहाँ एंट्री है उधर से है, तब सोच रहे देख ही लिए अब क्या जाएंगे। देखो बहुत ही पुराना डिज़ाइन है घर का, इसीलिए लोआन प्रभांग को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया यूनेस्को तरफ से। यहाँ पर काफ़ी पुराना पुराना बिल्डिंग है और एक टेंपल है बाहर में ही है, आप अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर भी दोस्तों एक काफ़ी पुराना ये घर है, यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं खाली, देखो यहाँ पर मॉन्क बहुत है यहाँ पर, और ये काफ़ी पुराना घर आप देख के बता सकते हैं, देख रहे हैं काफ़ी पुराना है इसका डिज़ाइन, इसीलिए लोआन प्रभांग इसलिए इतना फेमस है। सबाइडी, तो ये बच्चों का स्कूल है लोआन प्रभांग में छोटे बच्चों का, और देखो यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इधर खेल रहे हैं। तो दोस्तों हम जहाँ पर हैं कल हम दिखाए होंगे कि लोआन प्रभांग का नाइट मार्केट, तो इस रोड में लगता है नाइट मार्केट, लेकिन अभी देखो पूरा रोड खाली, अभी मार्केट लगना शुरू हुआ है और हम यहाँ दिखाने लाए हैं। ये है जो यहाँ के जो राजा का महल है ना, मतलब था ये वाला था, बहुत ही खूबसूरत है देखो इसको, अभी इसमें अभी कोई रहता नहीं, एक मॉन्क रहता होगा लेकिन अभी कोई नहीं रहता है, ये देखो काफ़ी पुराना है और काफ़ी सुंदर है, तो हम इसी को आप लोग को दिखाने के लिए बस आया, हमने तो रात को इसको देख लिया था। और यहाँ पर फ्रिज मैग्नेट लेंगे तो ये उसका फ़ोटो रहेगा, लोआन प्रभांग का कुछ भी रहेगा तो ये चीज़ रहता है। अभी तो इसको बंद रखा है, कोई आया नहीं है देख रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत है, ये महल था पहले राजा का, मैंने एक फ्रिज मैग्नेट भी कल ख़रीदा था तो यही डिज़ाइन था उसमें। और रात को आओगे यहाँ पर नाइट मार्केट लग जाता है, पूरा रास्ता बंद हो जाता है, और अभी गाड़ी चल रहा है और ये देखो 30,000 की, ये देखो दोस्तों ऐसा बन जाता है हवा धुकने के लिए, 30,000 की का है, तो मुझे तो लग रहा है काफ़ी महंगा है।
तो ये है लुआंग प्रवांग का लाइब्रेरी। बच्चे लोग तो इस लाइब्रेरी में पढ़ने आए हैं, वहाँ बुक एक्सचेंज का है। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ अच्छा लगे हैं, पढ़ाई का बहुत ही ध्यान दिया गया है। और मतलब देखिए, स्कूल में लाइब्रेरी है, यहाँ सब है, मतलब पढ़ाई का बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर ये देखो, आपका पेट्रोल और डीजल 19,840 और 480, लगभग 90 रुपये के आसपास यहाँ पर है पेट्रोल डीजल, और यहाँ पर तो महंगा ही है। दोस्तों जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो वो देखो, यहाँ पर चिकन मिल रहा था, केएफसी वाला आपको दिखाएंगे, 12,000 की का। तो वहीं पर जाके अभी कुछ खाते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर खाया, इतना टेस्टी ना भाई, केएफसी को भी हरा दिया था। ये मुझे मिला, दो मिला, 12-12, 24,000 का, लगभग 124 रुपये पड़ा। योर टेस्टी, तो मज़ा आ गया भाई, पैसा वसूल हो गया। मतलब 124 रुपया, मतलब 24,000 कीप में तो यहाँ कुछ खाने का नहीं मिला, और दो लेग पीस चिकन मिल गया, तो कहना ही क्या, टेस्टी था। अब चलते हैं मेरे दोस्त के घर पे, होस्ट पे, और थोड़ा आराम करते हैं, फिर शाम को निकलेंगे। तो दोस्तों हमको फिर से वो ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ये देखो, वो वुडन ब्रिज के पास हम पहुँच गए हैं। यहाँ ट्रक, बस और टेम्पो, ऑटो कुछ नहीं जा सकता इसे। देखो ये अलग गाड़ी के लिए अलग से वो पटरा दिया गया है, उसके ऊपर चलता है, नीचे है उसका, उधर भी है, उधर भी। और हम जाएंगे इस पे। अभी तो अब डर नहीं लग रहा है, इसलिए एक बार आ चुके हैं, तब पर भी थोड़ा रिस्की है, इसको पकड़ के तो जाना ही पड़ेगा। डर तो अभी भी लग रहा था, उतना डर नहीं लगता, उससे डर कम हो गया, लेकिन अच्छा था। और पूरा वुडन का है ब्रिज, पूरा वुडन का, काफ़ी पुराना है। तो दोस्तों आज हम इन लोग के यहाँ पर चिकन बनाए हैं, चिकन और चावल। ये है चिकन, और अभी हमारे होस्ट टेस्ट करेंगे। यू कैन टेस्ट एंड टेल मी हाउ डू यू कॉल दिस वन। देख लेते हैं दोस्त मेरा कैसा टेस्ट है, वो खुद ही खाएंगे। गुड, सो वाओ, स्पाइसी, नॉट सो मच, जस्ट नॉर्मल। नॉर्मल, थैंक यू। द चिकन इज वेरी सॉफ्ट आल्सो। तो भाई अच्छा तो रेटिंग मिल रहा है खाना का भाई, ये लोग तो बहुत अच्छा फीडबैक दे रहा है। लेट्स ईट किंकाओ, किंकाओ, टेस्टी खाना भाई। लाओस में, लाओस प्रबांग।